दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग भर्ती 2018। तो दोस्तों ANM GNM 2018 जो ऑनलाइन चॉइस का है उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगा। इस वीडियो में एक जानकारी हाथ लगी है उसी को आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। तो ANM GNM के 12,000 से ज़्यादा चयनित नर्सेज को इंतज़ार है कि आखिरकार उनका पदस्थापन कब होगा। दोस्तों तकरीबन 10 से 11 महीने का जो समय है वो बीत चुका है और अभी तक ऑनलाइन चॉइस यहाँ पर यानी कि मेरिट के बेस पर पदस्थापन नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों 9 तारीख लास्ट डेट थी जो टेंडर विभाग ने जारी किया था उसकी 9 मार्च, और अब 9 मार्च के बाद जो सिचुएशन निकल के आई है, जो जानकारी सामने निकल के आई उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं। देखिए जानकारी से पहले मैं बता दूँ, ये जो जानकारी है मेरी नहीं है, संघर्ष समिति के जो संघर्षशील जो साथी हैं कमलेश गुर्जर जी उनके द्वारा दी गई है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ सूचना का सोर्स, सूचना विशेष, जिस सूचना का पूरे राजस्थान को इंतजार था वो पल आ चुका है। बहुत दिनों से नर्सेज भर्ती 2018 में चयनित नर्सेज तनाव से गुजर रही थी। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही कि अगले सप्ताह में मतलब 19/3/2021 से ऑनलाइन चॉइस का काम शुरू होने वाला है और जल्द ही 12,000 चयनित नर्सेज को मेरिट से पदस्थापन मिलेगा। अप्रैल फर्स्ट वीक तक 12,000 नर्सेज को विधिवत रूप से पदस्थापन हेतु सूची जारी कर दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले के वीडियो में जब वो टेंडर निकाला तब भी कहा था कि 15 मार्च के बाद स्टार्ट होगा जो कुछ भी होगा, तो अब यहाँ पर 19 तारीख से ये जो चॉइस का काम है ये फिर से स्टार्ट होगा। संभवतः 19/20/21 से आप मान सकते हैं, उसके बाद 5-6 दिन 7 दिन का वक्त इसमें दिया जाएगा और उसके 5-7 दिन बाद आपको मिल जाएगी। मोटा मोटी तौर पर 10 अप्रैल आप मान लो लास्ट, अब आपको 20 से 25 दिन गुजारने हैं जिस पदस्थापन आप वर्तमान में हैं, उसके बाद 10 अप्रैल तक आप मान के चल लीजिए दोस्तों कि तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको ही कंप्लीट हो जाएंगी। अगर 19/20 से स्टार्ट होता तो 5-7 दिन आपके चॉइस भरने के दिए जाएंगे, उसके बाद 5-7 दिन विभाग भी लेगा, तो 5-6 अप्रैल, तो उसमें 2-4 दिन और ऊपर नीचे कर लीजिए, यानी कि 10 अप्रैल तक आप लोगों की जो चॉइस का है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं संघर्ष साथी कमलेश गुर्जर, जितेंद्र कटारा जी, पवन मीणा जी, सुमेल कुमारी जी, जो भी संघर्ष समिति के मुखिया हैं, नेतृत्व करते हैं, उन सब की तरफ से जानकारी दी गई है 19/3/2021 से बताया जा रहा है ऑनलाइन चॉइस का। तो ये जानकारी थी दोस्तों, ये जानकारी संघर्ष समिति की तरफ से दी गई है, हमारी तरफ से सिर्फ इस सूचना को आपसे साझा किया गया है। तो कमेंट करने में थोड़ा ध्यान रखें कि हमें ब्लेम ना करिएगा, ये जानकारी नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति की तरफ से दी गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।